उत्तर प्रदेश बलरामपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9800 करोड़ रुपए लागत वाली सरयू नहर परियोजना का रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्र को समर्पित किया। बटन दबाते ही राप्ती तथा सरयू बैराज खुल गया, जल प्रवाह बह चला। इस मौके पर पीएम ने कहा, बलरामपुर क्रांतिकारियों की धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्ण दत्त राम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अयोध्या में बन रहे मंदिर में रियासत बलरामपुर के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख युग युग तक होगा। यहाँ की जनता ने नाना जी देशमुख एवं अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो दो भारत रत्नों को दिया है। हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सीडीएस विपिन रावत तथा अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनरल विपिन रावत का जाना हर भारत प्रेमी राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने, तीनों सेनाओं में तालमेल शिथिल करने का कार्य उनके द्वारा किया गया। सैनिकों का पूरा जीवन योद्धा की तरह होता है, देश की आन बान शान के लिए वो हरदम समर्पित होता है। उन्होंने कहा कि यूपी के सपूत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र प्रेम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो देश की ऊंचाई पर ले जाए। पानी की कमी कभी बाधा न बने, इसलिए देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस योजना का दशकों से पूरा होने का इंतजार किया जा रहा था, आज वो अपना सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का दशकों से पूरा होने का इंतजार किया जा रहा था, आज वो सपना पूरा हो रहा है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी की जल शक्ति इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लाने वाली है। इस परियोजना का लाभ बलरामपुर के साथ साथ इस बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर में लाखों किसान भाइयों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6000 किसान सम्मान निधि का दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल के भीतर देश ने पहली बार सबसे बड़ी महामारी कोरोना से लड़ाई लड़ी है। हमने प्रयास किया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने आश्वासन दिया कि होली तक सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत करते हुए कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के प्रारंभ होने से 30 लाख किसानों के खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कानून मंत्री बृजेश पाठक, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, सहकारिता मंत्री मुकुल बिहारी वर्मा, सांसद बृजभूषण सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह आदि ने संबोधित किया।